आवाज के प्रिय दोस्त चाणक्य नीति। लौकी की कर्मणी रत पशुना परिपालक है वाणिज्य कृषि करता ये से विप्रो वैश्य उच्चते। सदा सांसारिक कार्यों में जो व्यक्ति लगा रहता है और पशुओं का पालन करता रहता है, व्यापार और खेती आदि करता है, उस ब्राह्मण को वैश्य कहा जाता है। लाक्षा दी तैल नीला नाम कुसुम्भुज सुम्पीसाम विक्रेता मदमासान से विप्रशुद्र उच्चयते। जो ब्राह्मण वृक्षों की लाख तेल नील कपड़े आदि रंगने का रंग शहद घी शराब मांस आदि चीज़ों का व्यापार करता है उस ब्राह्मण को शूद्र कहते हैं। यहाँ स्पष्ट है कि चाणक्य के जन्म से किसी को उच्च कुल का अथवा ब्राह्मण नहीं मानते, वे कर्म के अनुसार ही वर्णों को विभाजन में विश्वास रखते हैं। पर कार्य विहंता च दाम्भिक स्वार्थ साधक छली द्वेषी मृदु क्रोह विप्र मार्जार उच्चते। जो दूसरों के कार्य को बिगाड़ता है ढोंगी है, अपना ही स्वार्थ सिद्ध करने में लगा रहता है, दूसरों को धोखा देता है, उनसे द्वेष करता है, ऊपर से देखने में अत्यंत नम्र और अंदर से पैनी छुरी के समान है, ऐसे ब्राह्मण को बिलाव कहा गया है। जिस व्यक्ति का ध्यान सदा दूसरों के कार्य बिगाड़ने में लगा रहता है, जो सदा ही अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगा रहता है, लोगों को धोखा देता है, बिना कारण के ही उनसे शत्रुता रखता है, जो ऊपर से कोमल और अंदर से कूर है, उस ब्राह्मण को बिलाव के समान निकृष्ट पशु माना गया है। वापी कूप तरांगण राम सुर वैश्व नाम उच्छे देना से विप्रो मल से उच्चेते। जो ब्राह्मण पानी के स्थानों बावड़ी कुआ तालाब बाग बगीचों और मंदिरों में तोड़फोड़ करने में किसी प्रकार का भय न अनुभव करते हो, उन्हें मलेच्छ कहा गया है। हरे हरे आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, पीने के जल वाले स्थान उद्यानों और मंदिर आदि को जो लोग तोड़ते फोड़ते हैं, ऐसे ब्राह्मण अपने बुरे कार्य के कारण मलेच्छ कहलाते हैं। वास्तव में ब्राह्मण का अर्थ एक श्रेष्ठ व्यक्ति से है, परंतु जो व्यक्ति सामान्य जनता के जल लेने के स्थानों उद्यानों और देव मंदिरों आदि में तोड़ फोड़ करता है, उन्हें भ्रष्ट करने का प्रयत्न करता है, वह ब्राह्मण नहीं मलेच्छ होता है। देव द्रे गुरुद्रवे प्रादामर्शनम निर्वाह सर्वभूत शिव प्रास्तंडाल मुचते। जो देवताओं और गुरु को धन को चुरा लेता है, दूसरों की स्त्रियों के साथ सहवास करता है और जो सब प्राणों के साथ जीवन के अपने दिन गुजार लेता है, उसे चांडाल कहा जाता है। देयम भोज दिनम सदा सुकृति भिनो संचितम कदा श्री कृष्ण से बलस्ते विक्रमत्रापी कीर्ति स्थिता अस्मागम मधुदान भोग रही तम नष्ट संचित निर्वाण आदि ती प्रणिपाद युगले धनंत मक्ष का शहद का संग्रह करने में आदर्श मधुमक्खियों की पश्चाताप करना पड़ता है, क्योंकि शहद का दान न करने से शहद नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार कुछ लोग धन का दान नहीं करते और जब वह नष्ट होने लगता है तो पश्चाताप करते हैं, जबकि कुछ लोग अपने धन का दान के रूप में उचित प्रयोग करते रहते हैं। राजा बलिकरण और विक्रमादित्य दान करने के कारण आज तक समाज में सम्मान के पात्र बने हुए हैं। सज्जन व्यक्तियों का धन सदा दान करने के लिए ही होता है, वे कभी उसका संचय नहीं करते, क्योंकि दान करने के कारण ही दानवीन करण महाराज बलि और विक्रमादित्य का यश आज भी संसार में फैला हुआ है। चाणक्य ने वर्णों के अनुसार कर्मों की व्याख्या की है और ये स्पष्ट किया है कि व्यक्ति अपने कुछ गुणों के कारण सदा याद किया जाता है। हरे हरे जय श्री कृष्णा। सब्सक्राइब किए आवाज़ की दुनिया के दोस्तों। राधे राधे हरे हरे।